हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अलाइसम प्लांट के बारे में जानते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये अलाइसम का एक प्लांट है और इस पर वाइट कलर के फूल आ रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक दो कलर और आते हैं, जैसे एक पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और पिंक कलर के भी। तो इन सब में से मुझे तो वाइट कलर ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस प्लांट पर वाइट कलर के फूल आ रखे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों, जो अलाइसम का प्लांट है, इसके फूल जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। और एक फूल पर, ये देखिए, इसके एक फूल पर चार पत्तियां हैं। और ये फूल, छोटे छोटे जो फूल हैं, ये बंचेस में आते हैं। ये देखिए, एक बंच पर कितने फूल हैं छोटे छोटे। तो ये काफ़ी प्यारे लगते हैं। हम अलाइसम का जो प्लांट है, इसे हम 6 या 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर कोई लैंडस्केप बनाना चाहते हैं या उसमें एक नदी का व्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्लांट काफ़ी अच्छा रहता है। और जब आप इसे लैंडस्केप में यूज़ करेंगे तो जो इस पे फ्लावर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नदी की पानी की तरह लगेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू देगा और काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने भी इसे इस साल अपने गार्डन में ऐड नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आप इसे ज़रूर ऐड करना, ये काफ़ी अच्छे फूल देता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे लगाना है, कब लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों, हम इसे ना, इसकी जो सीडलिंग है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आप कर सकते हैं। और नवंबर के एंड तक इसके जो प्लांट हैं वो तैयार हो जाते हैं पॉट में शिफ्ट करने के लिए। तो आप इसे नवंबर या के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक आप इसके जो प्लांट हैं वो नर्सरी से भी ला सकते हैं। और ये प्लांट फरवरी और मार्च में आपको फ्लावरिंग देंगे। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसी मिट्टी में लगाना है। मिट्टी इसके लिए वही हम वेल ड्रेन मिट्टी यूज़ करेंगे, जिसमें आप एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा रेत का ले लें और एक हिस्सा खाद का ले लें और ऐसी ही वेल ड्रेन मिट्टी में इसे लगा दें तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। और पानी इसको आपने ज़्यादा नहीं देना है। जब थोड़ी सी ऊपर की जो मिट्टी है वो सूखने लगे तभी इसे पानी दे दें। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी गमले की तो फिर ये दोबारा आपका प्लांट अच्छा नहीं होगा और सूखने के कारण, पानी कम होने के कारण मर जाएगा। तो आप ना ही इसे ज़्यादा पानी दें और ना ही कम दें। तो आप इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनाएं। अगर ज़्यादा पानी कभी गलती से दे भी दें तो वो पानी गमले के नीचे से आसानी से निकल जाए। तो बात करती हैं इसके फर्टिलाइज़र कैसे देना है। इसको हम एक मंथ के बाद एक मुट्ठी खाद की आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की या कोई भी खाद हो। और आप 10 या 15 दिनों के बाद इसे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं लिक्विड, तो आप वही मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र इसे दें। अगर आप केमिकल में देना चाहते हैं तो आप DAP या NPK का मिक्सचर खोलकर इसे दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी धूप की। इस प्लांट को आपने फुल सनलाइट में रखना है, नवंबर से लेकर फरवरी तक इसे फुल सनलाइट में रखिए। अगर आप इस पर प्लांट पे आप मार्च और अप्रैल में भी फूल लेना चाहते हैं तो इसके थोड़ी धूप इसको कम दें मार्च अप्रैल में। तो आप इसे सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप है वो दे दें, इतना ही काफ़ी है अगर आप इस पे देर तक फूल लेना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी?
तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।